मैं हूं वंदा शर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस की बात प्रोग्राम। कोरोना वायरस महासंकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ICC यानी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक विशेष प्रोग्राम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 95 साल से ICC देश की सेवा कर रहा है और 1925 में अपने गठन के बाद से ICC ने आजादी की लड़ाई को देखा है, भीषण अकाल और अन्य संकटों को देखा है और भारत की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री का भी हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का ये भाव बरसों से हर भारतीय ने एक एस्पिरेशन की तरह जिया है, लेकिन फिर भी एक बड़ा काश हर भारतीय के मन में रहा है, मस्तिष्क में रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 5-6 सालों में देश की नीति और रीति में भारत की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य सर्वोपरि रहा है और अब कोरोना संकट ने हमें इसकी गति और तेज करने का सबक दिया है और इसी सबक से निकला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। उन्होंने कहा कि हर देशवासी इस संकल्प से भरा हुआ है कि इस आपदा को अवसर में परिवर्तित करना है, इसे हमें देश का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी बनाना है और ये टर्निंग पॉइंट क्या है? आत्मनिर्भर भारत। आज जो चीजें हमें विदेशों से मंगवानी पड़ती हैं, हमें विचार करना होगा कि वो हमारे देश में कैसे बने और फिर कैसे हम उसका निर्यात करें। पीएम मोदी ने कहा कि यही वक्त है कि लोकल के लिए वोकल हुआ जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया गया, अब उन्हें जमीन पर उतारा जा रहा है। पीएम ने कहा कि आज कोई भी कंपनी सीधे पीएमओ तक अपने सामान या प्रपोजल को पहुंचा सकती है। लोगों को GEM से जुड़ना होगा ताकि देसी कंपनियों का सामान सरकार भी खरीदे। उन्होंने कहा कि हर वो चीज जिसे आयात करने के लिए देश मजबूत है वो भारत में ही कैसे बने, भविष्य में उन्हीं का भारत निर्यातक कैसे बने, इस दिशा में हमें और तेजी से काम करना है। भारत में एक और अभियान अभी चल रहा है देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का। इसमें पीपल, प्लांट और प्रॉफिट तीनों ही विषय एड्रेस होते हैं। विशेषकर पश्चिम बंगाल के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है, इससे आपके यहाँ जूट का कारोबार बढ़ने की संभावना बढ़ती है। संबोधन में ये भी कहा गया कि लोकल प्रोडक्ट के लिए क्लस्टर के आधार पर मजबूती दी जा रही है, नॉर्थ ईस्ट को ऑर्गेनिक खेती का हब बनाए जाने की कोशिश है। ICC ठान ले तो इसकी ग्लोबल पहचान बना सकते हैं। आज वक्त है जब कोलकाता फिर लीडर बने, क्योंकि कहा जाता है कि बंगाल जो आज सोचता है वो पूरा देश आगे करता है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल बाद आपकी संस्था अपने 100 साल पूरे कर लेगी। 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में हर किसी के लिए यही वक्त है कि एक बड़ा संकल्प लिया जाए और आत्मनिर्भर भारत अभियान को संपूर्ण करने के लिए कुछ लक्ष्य तय किए जाए। पीएम ने कहा कि हम पानी के रास्ते को सुचारू रूप से बढ़ा रहे हैं, हल्दिया कोलकाता रूट शुरू हुआ है और अब नॉर्थ ईस्ट की ओर इसे बढ़ा रहे हैं। इससे पैसों की बचत हो रही है, सामान जल्दी मिलेगा और इसी के साथ पर्यावरण भी सुधर रहा है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक का अभियान अब जन आंदोलन बन गया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।